हाय फ्रेंड्स, मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वीडियो देखते रहिए, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, धैर्य जी से मेरी बात हुई थी, धरने के टाइम पे बताया गया था कि अगर 15 जनवरी तक रिजल्ट नहीं आता है तो दोबारा कोई बड़ा स्टेप लिया जाएगा, और ये सभी के रिजल्ट के लिए है। एमसीडी पीआरटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी के जो बचे हुए एग्जाम हैं उन सभी के लिए है। तो साथियों, अभी आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है कि धैर्य जी से मेरी जो बात हुई है, क्या बात हुई है, मैं उनका जो एक मैसेज है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, तो आप देखिए पूरा। तो धैर्य जी ने सोशल मीडिया पे और ग्रुप्स में एक मैसेज भेजा था, और वो मैसेज मेरे पास भी आया था। इसके बाद मैंने पर्सनली उनसे भी बात करी थी। तो क्या मैसेज है आप देख लीजिए। तो मैसेज है, साथियों नमस्कार। साथियों, डीएसएसबी का ढुलमुल रवैया जारी है, अभी भी पीजीटी के 7 से 9, टीजीटी के सारे, एमसीडी पीआरटी, डीओई पीआरटी, एनटीटी, ईटीसी के रिजल्ट आने हैं। इसी के मद्देनजर अगले हफ्ते हम नेता बिजेंद्र गुप्ता जी से मिलने जा रहे हैं, ताकि डीएसएसबी पर दबाव बनाया जा सके तथा रिजल्ट का सही स्टेटस पता लग सके। बहुत जल्द हमारी मीटिंग की तारीख व टाइम बता दिया जाएगा। आप सभी से उम्मीद है कि आप जरूर इस मीटिंग में पहुंचेंगे। एमसीडी पीआरटी की कट ऑफ का जो नोटिस सोशल मीडिया पर घूम रहा है वह बिल्कुल झूठ है, दिल्ली अध्यापक बेरोजगार संघ। तो साथियों, जैसा कि आप इस मैसेज में देख सकते हैं, तो धैर्य जी ने साफ तौर पे कहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पीजीटी के भी रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, काफ़ी रिजल्ट बच रहे हैं, टीजीटी के रिजल्ट बचे हुए हैं, इसके बाद तो पीआरटी हैं, जो एमसीडी पीआरटी, डीओई पीआरटी, एनटीटी स्पेशल, तो जो भी हैं दोस्तों ये बचे हुए हैं। इसके बाद जो धैर्य जी ने मुझे बताया है कि वो विजेंद्र गुप्ता हैं, उनसे मीटिंग करेंगे, और इससे क्या है कि डीएसएसबी पर दबाव बनाया जा सके। जो इनकी बात है, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो, तो धैर्य जी क्या चाहते हैं कि जो विजेंद्र गुप्ता हैं, जो नेता हैं विजेंद्र गुप्ता, उनसे मिलेंगे, जिससे डीएसएसबी पर दबाव बनाया जा सके। और इसके लिए क्या है, हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि रिजल्ट जल्दी आ सके, धैर्य जी से जो मेरी बात हुई है, धैर्य जी ने क्या कहा है कि अगर रिजल्ट आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर रिजल्ट नहीं आता है, उनका ये नहीं है कि सिर्फ पीआरटी, वो सभी को साथ लेके चल रहे हैं, और अगर रिजल्ट नहीं आता है तो इसके बाद क्या है कि वो विजेंद्र गुप्ता जी हैं, उनसे मिलेंगे, इसके बाद जो मीटिंग होगी उसमें वो कह रहे हैं कि सभी साथी, ज़्यादा से ज़्यादा साथी उस मीटिंग में पहुँचे, जिससे डीएसएसबी पर दबाव बन सके। और होता है क्या है कि देखो आप, मैं क्लियर बता देता हूँ, एक तो है कि दो बंदे जा रहे हैं, एक ही के 50 बंदे जा रहे हैं, तो उसमें बहुत फर्क होता है। और रही बात रिजल्ट की, तो धैर्य जी आप लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग उनका सहयोग करें, क्योंकि घर बैठ के सोशल मीडिया पे कमेंट करके ये चीजें अच्छी नहीं लगती। आप लोग जब तक उनका सहयोग नहीं देंगे तो आगे मतलब काम बहुत डिले होता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी आए, तो जब जरूरत पड़े तो आप उनका सहयोग करें। अगर धरना देने गए थे उसी टाइम पे कुछ ज़्यादा संख्या और होती तो मुझे लग रहा है कि और ही फर्क पड़ता, क्योंकि ज़्यादा भीड़ से बहुत फर्क पड़ता है। उसमें यह होता है कि हाँ, कैंडिडेट्स चाह रहे हैं, अब 10-15 बंदे किसी काम को करने जा रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा बंदे जा रहे हैं। हालांकि जितने भी साथी गए थे वहाँ पे, अराउंड 50 साथी वहाँ पे गए थे धरना के टाइम पे, मैं भी वहाँ पे प्रेजेंट था, तो उन सभी ने सहयोग दिया, इवन गर्ल्स भी वहाँ पे प्रेजेंट थी, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। और ऐसा नहीं, टीजीटी पीजीटी और मतलब और भी पोस्ट के काफ़ी बंदे वहाँ पे थे, तो बहुत अच्छा लगा ये देख के। लेकिन साथियों, अगर दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ पे सहयोग करें। ये नहीं कि ये किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, आप अपने हक के लिए तो जा सकते हैं। चलो धैर्य जी तो सभी के लिए कुछ कर रहे हैं, आप लोग अपने हक के लिए तो जा सकते हैं, और एक दिन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरत पड़े तो आप वहां पे जाएं, जिससे रिजल्ट जल्दी आ सके, क्योंकि ये बहुत टाइम हो चुका है
और जो ये स्पेशल वाले एग्जाम हुए और भी काफी एग्जाम है, तो रिजल्ट अभी नहीं आया, तो आप वहां पे जाएं जिससे दबाव बन सके। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनको मेरी बातें बिल्कुल बुरी लग रही होगी, तो मैं ये नहीं चाहता, हालांकि मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि जो 30 वाले हैं उनका नुकसान हो, उनका भी बेनिफिट हो। मैं ये चाहता हूँ उनको बिल्कुल बेनिफिट मिले और जो साथी हैं किसी का नुकसान ना हो। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।